दोस्तों ये मोबाइल है Redmi 9, ठीक है। इस मोबाइल में दोस्तों क्या समस्या आ रही है, कस्टमर ने इसमें चार्जिंग जैक डलवाया था। ये देखिए इसका चार्जिंग, ये चार्जिंग पीसीबी है, ये देखिए इसका जो मेन डाटा का जो पॉइंट होता है वो भी देखिए मिसिंग हो रखा है, ये देखिए। तो दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं तो चार्जर चलते चलते अपने आप जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो कस्टमर ने इसका चार्जिंग जैक भी डलवा लिया, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है 2-3 दिन बाद जो है फिर से आने लगी। तो दोस्तों फिर हमने जो है इसका पूरा पीसीबी भी देख लिया चेंज करके, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है सेम का सेम है, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम कहाँ से होता है मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सेम इसी प्रॉब्लम में अगर आपके पास कोई मोबाइल आता है, जैसे कि बैटरी स्टोर नहीं हो रहा, चार्जिंग जो है डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, या फिर यूएसबी कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका चार्जिंग जैक देखना है चेंज करके, उसके बाद ये चार्जिंग पीसीबी है इसको देखना है चेंज करके। अगर उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इस पत्ते को निकाल लेना है, ठीक है। निकालने के बाद दोस्तों चार्जर लगा के इस पॉइंट पर देखना है 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कि नहीं, ठीक है। अगर 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो आपको चार्जिंग जैक के पॉजिटिव वाले पॉइंट से एक जम्पर लेके आपको मेन पीसीबी के पी बस के पॉइंट पर लगा देना है, ठीक है। 5 वोल्ट की सप्लाई जो है चार्जिंग जैक से लेके हमें ये वाला जो पॉइंट है ये बी बस का पॉइंट है, ठीक है। हमें यहाँ पर जम्पर लगा देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, कई बार क्या होता है कि इसका जो कनेक्टर होता है डिस्प्ले का, इसी के अंदर जो है चार्जिंग की सप्लाई भी जाती है, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाता मेन पीसीबी में, तो ये प्रॉब्लम जब आती है, ठीक है। तो ये जम्पर अगर हम लगा देंगे इसके अंदर तो हमारी जो चार्जर की जो 5 वोल्ट की सप्लाई है वो सीधे जो है मेन पीसीबी तक वोल्टेज आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक जम्पर लगा के फिर आपको चेक कराता हूँ। और ये देखिए दूसरा सिरा हमने जो है बी बस के पॉइंट पर लगा दिया। तो चलिए दोस्तों अब ऑन करके देखते हैं चार्जिंग ले रहा है कि नहीं और बैटरी स्टोर हो रही है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों अब चार्जिंग जो है शो कर रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों बहुत से कमेंट्स में ये भी आएंगे कि इसमें जो है भाई आपने चार्जिंग पत्ता ही क्यों नहीं चेंज कर दिया, उससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम उससे नहीं थी, ठीक है। इसमें मेन जो प्रॉब्लम थी, इसका जो डिस्प्ले का जो पत्ता है ये प्रॉपर तरीके से मेन पीसीबी में कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है ये जम्पर लगाया ताकि ये जो है दिक्कत ना आए। अब क्या है, इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट जो है मेन पीसीबी में कनेक्ट हो चुका है। अगर ये डिस्प्ले एक बार को थोड़ा हिल भी जाता है तो भी इसमें चार्जिंग होती रहेगी। ये देखिए दोस्तों अभी 4% है, थोड़ी देर वेट करते हैं बैटरी स्टोर हो रही है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों 5% चार्जिंग हो गई, इसका मतलब बैटरी भी स्टोर हो रही है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।